क्यों क्रैश हुआ कैप्टन भव्य सुनेजा का प्लेन? इंडोनेशियाई प्लेन क्रैश की असली वजह पता चल गई। प्लेन की ऊंचाई का पता लगाने वाले उपकरण फेल हो गए। प्लेन का एयर स्पीड रीडिंग उपकरण भरोसे के लायक नहीं था। लायन एयरलाइंस के इस प्लेन में तकनीकी खराबी थी। जी हाँ, अक्सर विमान हादसे पायलट की गलती से होते हैं, लेकिन इंडोनेशियाई प्लेन क्रैश होने के पीछे पायलट की रत्ती भर भी गलती नहीं बताई जा रही, बल्कि विमान दुर्घटना में मारे गए पूरे 189 लोगों की मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ लायन एयरलाइंस कंपनी है। सूत्रों के मुताबिक इस फ्लाइट से पिछली उड़ान का टेक्निकल लॉग मिला है। इस लॉग में कहा गया है कि कैप्टन भव्य सुनेजा के पास मौजूद एयर स्पीड रीडिंग का उपकरण भरोसे लायक नहीं था। इसके साथ ही पायलट और को पायलट के विमान की ऊंचाई का पता लगाने वाले उपकरण भी अलग अलग आंकड़े दे रहे थे। इसी को देखते हुए प्लेन के क्रू मेंबर्स ने जकार्ता वापस आने का फैसला किया था। इससे पहले लायन एयरलाइंस के एग्जीक्यूटिव एडवर्ड सिराइट ने कहा कि प्लेन में तकनीकी समस्या थी, लेकिन इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। यह समस्या बाली से जकार्ता की उड़ान के दौरान ही थी। इंडोनेशिया में सोमवार यानी 29 अक्टूबर को हुए प्लेन क्रैश ने सबको हिला कर रख दिया है। दुनिया इस प्लेन क्रैश की चर्चा कर रही है। प्लेन में 178 लोगों के अलावा 3 बच्चे, 2 पायलट और 5 केबिन क्रूज सवार थे। जिस वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ, एक जोरदार धमाका हुआ। तादि पास बनर वातु आदा स्वारा पुदास एमा लगी दिलुआर दि पिंगर पांताय। चुमा करना कादान्या गलाप, मंदूंग, ये साजे दिंगा मुंहिराकों तो या, बैतेंग anu aja geludung gitu, mau hujan gitu. Cuman suaranya mau beda dari geluduk, kencang gitu. Wah. Take off ke मात्र 13 मिनट में ही Boeing 737 प्लेन क्रैश हो गया। इस विमान ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से पंगकल के लिए उड़ान भरी थी। ऐसा भी नहीं था कि प्लेन को उड़ा रहे भारतीय पायलट भव्य सुनेजा नए थे या अनाड़ी थे। हम आपको बता दें कि कैप्टन भव्य के पास 6000 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था, जबकि इस फ्लाइट में साथ रहे उनके को पायलट के पास 5000 घंटे उड़ान का तजुर्बा था। लेकिन तकनीकी खामियों और एयरलाइंस की लापरवाही के चलते हिंदुस्तानी भव्य के साथ 189 लोग मौत के समंदर में समा गए। आज दिल्ली में भव्य के घर मातम है। सुनेजा परिवार की दिवाली पर उनके घर का चिराग बुझ गया। अब तो दुखों और दर्द का अंधेरा है जो ताउम्र भव्य की याद दिलाता रहेगा।